रहे हैं ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स, अध्याय एक है ये। हजार वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी हम पड़ताल करेंगे। अब ये शुरुआती चैप्टर है तो इसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो आगे चैप्टर आने वाले हैं, आगे डिस्कशन होने वाले हैं, उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। और जो समय जिसके बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में चर्चा की गई है, यानी कि एक स्पैन है हजार साल का, इसीलिए इसको हजार साल कह रहे हैं कि भाई हजार साल की बातें, हजार साल में क्या परिवर्तन हुए। तो इसको हम मिडिवल युग कहते हैं, मध्यकालीन युग कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं, इसको मिडिवल युग कहते हैं। तो अल्टीमेटली हम बात करेंगे कहां से कहां तक की, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि इस पूरे डिस्कशन में आज से और आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हम 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बारे में बात करेंगे, 700 से 1750, बस ये दिमाग में रखिएगा। और ये जो 700 से 1750 के बीच में क्या क्या हुआ, और मतलब मोटे तौर पे इसमें समझाने की बताने की कोशिश की है, बस यही चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐसी है नहीं। तो ये शुरुआत होती है यहां पर दो मैप से, एक मैप आप यहां देख रहे हैं और एक मैप आप यहां देख रहे हैं। ये जो मैप है ये दोनों 600 साल के अंतर में बनाए गए हैं। जो पहला मैप है वो किसने बनाया है, दूसरा मैप किसने बनाया है, इसको मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि मैप, जो मैप बनाते हैं जो लोग, उन्हें हम कहते हैं कार्टोग्राफर, यानी कि कार्टोग्राफी होती है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। मैप बनाने का, मानचित्र बनाने का जो आर्ट है, टेक्निक है, उसे ही हम कार्टोग्राफी कहते हैं। और जो इनको बनाता है उन्हें हम कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। तो जो पहला मैप है ये वाला मैप, ये इसका छोटा पार्ट है, ये एक बड़ा सा पार्ट बनाया था, इसको बनाया था एक अरबियन, ये चेहरा आप देख रहे हैं ये है अरेबियन ज्योग्राफर, यानी कि भूगोल वेत्ता, अरब के थे ये। इनका नाम है मोहम्मद अल इदरीसी। क्या नाम है? मोहम्मद अल इदरीसी। तो इन्होंने ये जो मैप बनाया था, शुरुआती मैप, वो बनाया था 1154 कॉमन एरा सीई, यानी कि ईसा मसीह के मृत्यु के 1154 ईयर्स के बाद ये हो गया। अब जो दूसरा मैप है उसको अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला मैप, इसको बनाया था 1720 में, तकरीबन 600 साल का अंतर था इस मैप और पिछले वाले मैप में। और इसको बनाया था एक फ्रेंच ने, फ्रेंच मतलब आप ये समझ लीजिए कि FRENCH लिखना चाह रहा हूं मैं, एक्चुअली ये फ्रांस के थे इसलिए फ्रेंच हो गए। तो ये जो फ्रेंच नाम इनका है गुआलमे डी लिजली, क्या नाम है इनका? गुआलमे डी लिजली। तो ये साहब ने 1720 में एक मैप बनाया। अब इन मैप में थोड़ा अंतर है, पहली चीज तो ये बता दूं कि जो पहला मैप है, ये जो मैप है ये इन्होंने अरबी में बनाया था, अरब में ये शब्द जो लिखे हैं अरब लिखा था। अब इसमें हो क्या गया कि जो मध्य भारत है, मिडिल इंडिया है, वो साउथ इंडिया हो गया, और साउथ इंडिया जो है वो मिडिल इंडिया हो गया, मध्य भारत साउथ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया मिडिल भारत हो गया। एक और बात है कि श्रीलंका जो यहां पर है, इस जगह पे है, उसको उन्होंने ऊपर दिखा दिया, ये मोहम्मद अल इदरीसी साहब ने किया। लेकिन उस जमाने में ये पहले ऐसे शुरुआती मैप बनाने वाले थे जिनका नाम है, राइट। लेकिन 600 साल बाद जो मैप बनाने की प्रक्रियाएं हैं, मानचित्र बनाने की प्रक्रियाएं, वो उनमें तब्दील हुआ। फिर ये जो GDL लिखा है मैंने, गुआलमे डी लेजले, ये फ्रेंच जो थे, इन्होंने मैप बनाया। और इन्होंने जो मैप बनाया बड़ा शानदार मैप बनाया, ऐसा मैप जो हम समझ सकते हैं, ऐसा मैप जो हम आज भी जानते हैं, ऐसा मैप जो है। इसमें कोस्टल एरियाज, खासतौर पर जो तटीय क्षेत्र है, वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए। अब कोस्टल एरिया इस तरीके से दिखाए गए, कोस्टल एरिया यानी कि तटीय एरिया, इसके कारण से जो यूरोप से आने वाले सेलर्स थे, यूरोपियन सेलर्स, यूरोप से आने वाले जो नाविक थे, इसके अलावा जो मर्चेंट्स यानी कि ट्रेडर्स, मर्चेंट्स जो लोग सामान खरीदने बेचने आते थे और सी की यात्रा करते थे या फिर जमीन की यात्रा करते थे, खासतौर पर समुद्री यात्रा करते थे, उन्होंने गुआलमे डी लिजली का मैप ये बहुत यूज किया और इसको अप्रिशिएट किया। तो ये दो मैप बनाए दो लोगों ने।
क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जो साइंस है कार्टोग्राफी का, कार्टोग्राफी आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, मैप मेकिंग मानचित्र बनाने का, इन दोनों पीरियड्स में काफी परिवर्तन हुआ साइंस में, इसको बनाने की विधि में, प्रक्रिया में काफी परिवर्तन हुआ। ये तो मैप की बात हो गई, भूगोल की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं टर्म्स की और टर्मिनोलॉजी की। कहने का मतलब जो शब्द हैं, शब्द वो जैसे अगर आप मध्ययुगीन फारसी देखें, पर्शियन, वो आज के पर्शियन से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है, ऑलमोस्ट अलग है। ठीक, तो होता यह है कि जब हिस्टोरियंस ये पता करने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या हुआ था और आज क्या हुआ है, तो इससे उनको बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई उस जमाने में ग्रामर क्या रही, मतलब व्याकरण क्या रही, उस जमाने में वोकैबुलरी कैसी थी, मतलब शब्द कौन कौन से थे, कैसे कैसे थे, और इन शब्दों की मीनिंग क्या थी, माने क्या थे, मायने क्या थे, इन सब को भी समझना जरूरी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आज हम कैसे समझते हैं, आज हम समझते हैं कि भाई यही तो इंडिया है, यही देश है हमारा, मेन नेशन स्टेट है हमारा। ठीक, लेकिन 13वीं सदी में, ध्यान रखिएगा ये सब पूछा जाता है, जो आगे जो मैं क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा उसमें ये सब पूछे जाएंगे, आपके चैप्टर में तो है ही, मैं अलग से भी क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। तो 13वीं शताब्दी में एक साहब हुए, ये है मिन्हाज सिराज। क्या हुए, मिन्हाज सिराज, इनका नाम यहां लिखा हुआ है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, मिन्हाज सिराज। अब ये थे क्रोनिकलर, ये हिस्टोरियन नहीं थे, ध्यान रखिएगा ये इतिहासकार नहीं थे, ये थे क्रोनिकलर। क्रोनिकलर का मतलब होता है वृत्तांत लिखने वाले, डिस्क्रिप्शन लिखने वाले, जैसे यात्रा वृत्तांत लिख दिया, जैसे आजकल ब्लॉग और व्लॉग होता है ना, उसी तरीके से वृत्तांत लिखा इन्होंने। तो इन्होंने ये पर्शियन में लिखा, इन्होंने फारसी में लिखा, तो इनका मतलब जब ये हिंदुस्तान यूज करते थे तो मिन्हाज सिराज, MIS कर रहा हूं, इनका मतलब वो था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जो जगह है, वहां पे जो लोग रहते हैं, वहां की जो पॉलिटिक्स है और वहां के एरिया को इन्होंने बताया। बेसिकली इन्होंने कहा कि जहां पर जो सुल्तान्स थे, दिल्ली सुल्तान्स, डी कर देता हूं, दिल्ली सुल्तान्स उनका राज था या उनका एरिया था, उसके लिए मिन्हाज सिराज ने कहा कि ये जो भाग है ये हिंदुस्तान है। ठीक है, अब इसी शब्द का, सेम शब्द का, हिंदुस्तान का शब्द प्रयोग किया बाबर ने। बाबर एक बहुत बड़ा नाम है, इसके बारे में हम बहुत चर्चा करने वाले हैं, और पाकिस्तान के सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो है वो बाबर आजम है, तो बाबर इस तरीके से याद रखिए आप, बाबर। इन्होंने इसी शब्द हिंदुस्तान का प्रयोग किया, किस लिए, कि भाई हिंदुस्तान मतलब हमारे देश की, या फिर ऐसी ऐसे क्षेत्र की ज्योग्राफी बताने के लिए, ज्योग्राफी बताने के लिए, वहां का फ्लोरा एंड फौना यानी पेड़ पौधे जानवर बताने के लिए, वहां की कल्चर बताने के लिए, मतलब संस्कृति बताने के लिए, ये सब बताने के लिए इन्होंने एक एरिया, उसकी ज्योग्राफी, उसका फ्लोरा फौना यानी पेड़ पौधे जानवर और वहां की जो संस्कृति है, कल्चर, उसको बताने के लिए उन्होंने 16वीं शताब्दी में, ये ध्यान रखिएगा, 16वीं शताब्दी में बाबर ने इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और किन किस जगह का किया, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखिए, सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा पूरा एक ये एशिया, इस कॉन्टिनेंट में हम लोग आते हैं, हमारा देश आता है, तो इंडिया तो यहां हो गया। अब इंडिया के यहां आप देखिए, थोड़ा चाइना भी है, यहां बगल में पाकिस्तान भी है, यहां अफगानिस्तान भी है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, तो ये जो इलाके हैं, चाइना तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन ये जो इलाके हैं ये पूरी तरीके से एशिया के अंदर एक और दूसरा कॉन्टिनेंट बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां तो हमारे हिमालयाज हैं और यहां पर और ऐसी जगह है और ऐसी प्राकृतिक लक्षण है जिससे हम इस एशिया से थोड़े से अलग दिखते हैं, मतलब अलग है, कटे तो नहीं हुए लेकिन अलग से दिखते हैं, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उपमहाद्वीप, महाद्वीप तो हो गया एशिया, उसके अंदर महाद्वीप और उसके अंदर उपमहाद्वीप, हमारा महाद्वीप जो हमारा और आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनको लेके बनता है। तो बाबर ने इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब यही शब्द का एक और यूज देखिए, हिंदुस्तान में शब्द आता है हिंदू, हिंद, हिंद,
तो अमीर खुसरो साहब ये बहुत बड़े पोएट हुए हैं, अमीर खुसरो साहब। इन्होंने 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो साहब है, इन्होंने इस हिंद का शब्द प्रयोग किया, राइट। तो यहां पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्द का प्रयोग किया। तो जो आइडिया था वो ये था कि भाई इंडिया, हिंदुस्तान, अगर हम इंडिया कहें तो इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब सीधा है कि हमारी एक ज्योग्राफी है, हिंदुस्तान की एक ज्योग्राफी है, ठीक, और हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हिंदुस्तान है, इंडिया तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग देख के आप लग गया होगा कि ये हम कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं बता रहे, हम कोई अपनी बाउंड्री नहीं बता रहे। अगर हम किसी देश से बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे वी आर फ्रॉम इंडिया, ये नहीं बोलेंगे वी आर फ्रॉम हिंदुस्तान, राइट। तो जो पॉलिटिकली और नेशनल मीनिंग, जिसमें हम नेशनल की बात करते हैं या एक राज, एक स्टेट, एक देश की बात करते हैं, वहां हम हिंदुस्तान का प्रयोग कम करते हैं, इंडिया का ज्यादा करते हैं। तो शब्दों का किस तरीके से फेर बदल हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, आप ये देखते हैं। एक और शब्द पे ले जाऊंगा मैं आपको, वो शब्द है फॉरेनर। फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब ये है कि आज आप किसी भी साहब को देख लो, अगर उनकी गोरी चमड़ी है, वाइट है, उनके बाल भी भूरे हैं, तो आप कहेंगे ये तो फॉरेनर है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे देश से आया है, दूसरे देश से आया है। लेकिन वहीं पर अगर आप तमिलनाडु का एक आदमी है और वो गैंगटॉक चला गया, या कहें मिड, जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां चला गया, तो यहां पर दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक देश के हैं और एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है। जबकि हो सकता है कि गैंगटॉक का आदमी थोड़ा सा उसका लुक जो हो वो चाइना, इंडोनेशिया इस तरीके का लुक हो, थाईलैंड लुक हो। तमिलनाडु का आदमी उसका लुक जो है वो श्रीलंकन लुक हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था कि एक विलेज है, ये दूसरा विलेज है, या ये देख लीजिए एक ये हो गया आपका फॉरेस्ट एरिया हो गया, जंगल का एरिया हो गया। अब एक ये विलेज वन कर देते हैं, विलेज टू कर देते हैं। इस विलेज टू का आदमी अगर इस विलेज वन में आता है, इस गांव में आता है, तो ये इस गांव के लिए, यहां इस गांव के लिए ये आदमी हो जाएगा फॉरेनर। इसी तरीके से ये आदमी इधर जाता है तो ये आदमी इस विलेज के लिए हो जाएगा फॉरेनर, विदेशी, अजनबी। विदेशी, अजनबी, ये सारे शब्द हैं। अजनबी और विदेशी एक फॉरेनर को ही कहा जाता था उस जमाने में, लेकिन आज के जमाने, अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, ये जो फॉरेस्ट का आदमी आया, कोई जंगलात में रहने वाला आदमी आया, वो यहां पर गया और वो यहां पर गया, तो इन दोनों जगह के लिए ये भी फॉरेनर हो जाएगा। तो ये उस जमाने में यूज होता था, आज के जमाने में ये फॉरेनर की व्याख्या नहीं है। मैं फिर से बता दूं, पर्शियन में, फारसी में अजनबी कहते हैं, और हिंदी में हम इन्हें परदेशी कहते हैं, और अंग्रेजी में हम फॉरेनर कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट ड्वेलर अगर आया या जंगल से आदमी आया तो भी वो फॉरेनर कहलाता था। लेकिन अगर एक जगह के आप हैं, आपकी संस्कृति एक जैसी है, समाज एक जैसा है, आप एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर आप फॉरेनर नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेस की। इसका मतलब क्या है कि आप बताइए, अगर कोई क्राइम होता है या कोई चीज हो चुकी है या फिर कोई ऐसा इवेंट हो चुका है, उसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे? आप एविडेंस ढूंढेंगे, आप सबूत ढूंढेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे। आपने कहा, पापा ने कहा बेटा तुमने ये तोड़ दिया, आपने कहा नहीं मैंने नहीं तोड़ा, ये मेरी बहन ने तोड़ा है, तो ये दोनों के लिए पापा क्या करेंगे? एविडेंस जमा करेंगे, है ना, पूछेंगे दोनों से, सवाल जवाब करेंगे। इसी तरीके से हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता, ये दोनों के दोनों एक जासूस की तरह काम करते हैं, तो इन्हें चाहिए एविडेंस। पहले क्या होता था, हम बात कर रहे हैं 700 से लेकर 1750 के बीच में, लेकिन इससे पहले जितने भी हमारे पास साधन थे, या कहें अलग अलग एविडेंसेस थे, उसमें बहुत सारी चीज थी। जैसे आप ये देखिए, सिक्के हो गए, ये सिक्के हो गए, कुछ इंस्क्रिप्शंस हो गए, इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख हो गए, जो कभी मंदिरों में लिखे थे, कभी लौह स्तंभ में लिखे थे। इस तरीके के नायाब आर्किटेक्चर हो गए, जैसे हमारे पास कुतुब मीनार है, ताजमहल, इस तरीके से नायाब आर्किटेक्चर हो गए। फिर टेक्सुअल रिकॉर्ड, टेक्सुअल रिकॉर्ड मतलब कोई चीज जो किसी ने लिख दी हो, यानी मान लीजिए किसी ने हर्षवर्धन की लिख दी जीवनी, या किसी ने किसी और की लिख दी जीवनी, तो उस जीवनी में बहुत सारा कंटेंट ऐसा लिखा होता था जिससे हम उस जमाने के समाज को समझ सकते थे। ओके, अब जिस समय की हम बात करें, इस पूरे किताब में, इस पूरे सीरीज में हम बात करेंगे 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बारे में। इस जमाने में, इस समय में जो
मेन चीज आगे बढ़ी, जो एविडेंसेस बढ़े वो थे पेपर एविडेंसेस, वो थे लिखित, या ये कहें कि टेक्सुअल रिकॉर्ड। टेक्सुअल रिकॉर्ड मतलब लोगों ने लिखा, हर चीज लिखी। उसका कारण क्यों था? क्योंकि पेपर आ गया। अब पेपर पे कोई चीज अगर लिख दी जाए और 10 दिन बाद देखी जाए तो आपको वो पेपर देख के याद आ जाएगा, लेकिन अगर आप याद रखें दिमाग में तो हो सकता है आप कल ही भूल जाए। तो पेपर में जो चीज लिखी जाती है वो बहुत आसान हो गई, क्योंकि पेपर मिलना बड़ा आसान हो गया। चाइना की तरफ से पेपर गया बहुत जगह पे, पहले कोरिया गया, फिर जापान गया, फिर बगदाद आया, बगदाद से हमारे यहाँ आ गया, हमारे देश में आ गया। तो पेपर आ गया और वो सस्ता भी हो गया। तो जो पेपर था सस्ता था, इससे क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि भाई जो भगवान या अपने आराध्य की चीजें, यानी कि होली टेक्स्ट लिखना शुरू किया, और जो भी रूलर्स थे, जितने भी शासक थे, उनके उनके वृत्तांत लिखने शुरू किए, क्रॉनिकल्स लिखने शुरू किए, लोगों ने लेटर चित्र एक दूसरे को लेटर भेजना शुरू किया, लोगों ने जो सेंट्स थे, बड़े बड़े जो लोग थे, उनकी टीचिंग्स लिखना शुरू किया, लोगों ने अपने पिटिशंस, अगर किसी को कुछ देना है कि भाई तुमने ये किया तुमने वो किया, या कहें कि जुडिशियल रिकॉर्ड्स, अगर न्यायाधीश कुछ लिखता है या फिर कोई अधिवक्ता लिखता है वो रिकॉर्ड इन्होंने लिखना शुरू किया, लोगों ने लिखना शुरू किया। दूसरा ये कि अकाउंट्स में भाई कितने पैसे आए कितने नहीं आए और कितना हमने कर लिया टैक्स लिया, वो सब लिखना शुरू किया, सब लिखना शुरू किया। तो जितना जो भी आप हाथ से लिखेंगे, जो भी आप हाथ से लिखने वाले हैं, उस हाथ से लिखने वाले को हम कहते हैं पांडुलिपियां, उसको हम कहते हैं पांडुलिपियां। पांडुलिपियां मतलब होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, याद रहेगा, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है हाथ से लिखी हुई चीज। तो जितनी भी ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसको नॉर्मली कौन कलेक्ट करता था, इनको अमीर लोग कलेक्ट करते थे, वेल्दी लोग कलेक्ट करते थे, रूलर्स करते थे, मोनास्टरीज, टेम्पल्स, ये सब, ये जो पुराने जमाने में लोग लिख के चले गए हैं उसको ये जमा करते थे। अब आज के जमाने में ये सारी जो चीज है, पांडुलिपियां, मैं दिखा देता हूं पांडुलिपि, ये है पांडुलिपि इस तरीके की। तो ये जो पांडुलिपियां हैं, या ये कहें जिसने भी हाथ से लिखा हुआ है, वो पांडुलिपियां जो है उनको जमा किया जाता है, रखा जाता है कहां पर, या तो लाइब्रेरी में या आर्काइव में। आर्काइव बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको कहते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार एक ऐसी जगह जहां पर आप दस्तावेज और पांडुलिपियां रखते हैं, और हर एक स्टेट में, हर एक कैपिटल में और बड़े बड़े शहरों में आपको एक आर्काइवल मिल जाएगा, आपको एक अभिलेखागार मिल जाएगा, जहां पर आपको पूरे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन मिलेंगे। यानी कि अगर कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको वहां रखा जाएगा, उसको संजोया जाएगा। कई बार ये म्यूजियम में भी रखा जाता है, क्योंकि आपके कॉलेज में एक लाइब्रेरी होगी, आपके हो सकता है कॉलोनी में भी एक लाइब्रेरी हो, लेकिन ये लाइब्रेरी थोड़ी लोकल लेवल पे है। एक जो स्टेट, जो सरकार की लाइब्रेरी होती है, या सरकार का अभिलेखागार होता है, आर्काइव होता है, जहां पर उस पूरे प्रदेश की चीजें रखी जाती है और नेशनल लेवल पे पूरे देश की चीजें रखी जाती हैं, उसी को मैं आर्काइव कह रहा हूं। क्लियर? अब हुआ ये कि इस जमाने में कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, लोगों को हाथ से नकल करना था, तो इनको क्या कहते थे, इनका नाम है नकल नवीस, स्क्राइब्स, लिपिक और नकल नवीस। ये तीनों ही एक ही आदमी है, मतलब ये इनका काम क्या होता है, ये एक जो इनके पास कंटेंट है इसको लेते हैं और उसकी हूबहू नकल बना देते हैं, कॉपी, जैसे आजकल फोटोकॉपी होती है ना, जैसे आप पन्ना डालिए और उसकी फोटोकॉपी निकल आएगी, वैसी ये लोग हाथ से लिखा करते थे। अब होता ये है कि आप मान लीजिए आप एक दोस्त का एक होमवर्क लेके आए और आप इस होमवर्क को कॉपी करना चाहते हैं। अब आपका दोस्त है तो इंटेलिजेंट, लेकिन उसकी हाथ में मतलब हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, जैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, आप देख रहे होंगे, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है तो मेरे दोस्त नहीं समझ पाते मैंने क्या लिखा, मैं ही खुद नहीं समझ पाता हूं मैंने क्या लिखा। तो इसीलिए ये जब कुछ लिखते थे और कोई वर्ड समझ में नहीं आता था तो ये कुछ अपनी तरफ से लिख देते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, समय के साथ अब इसकी भी कॉपी बनी होगी, ऐसे करके ये बनती चली गई, और फिर समय के साथ बहुत सारे कंटेंट में परिवर्तन आता चला गया। तो हिस्टोरियंस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो पहली मैन्यूस्क्रिप्ट, फिर उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट, उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपियां, इन सबको पढ़े समझे, तभी क्लियर हो पाता है कि एक्चुअल कॉन्टेंट क्या है। एक आपको जियाउद्दीन बरनी का एग्जाम्पल बताऊंगा। हुआ ये कि ये जो जियाउद्दीन बरनी है, इन्होंने पहला जो वृत्तांत लिखा वो लिखा 1356 में, और उसके बाद 1358 में दूसरा सेम चीज, सेम कंटेंट, जो इन्होंने यहां लिखा वही उन्होंने यहां लिखा, लेकिन थोड़ा परिवर्तित करके लिख दिया, यानी एक नया वर्जन बना दिया, इसको कह देते वर्जन वन वर्जन टू। तो इन्होंने वर्जन वन वर्जन टू जब बनाया, तो जो वर्जन वन है वो तो हिस्टोरियंस को मिला ही नहीं,
वर्जन टू ही हिस्टोरियंस को मिला जियाउद्दीन बरनी का, और फिर हिस्टोरियंस के दिमाग में या लोगों के दिमाग में ये रहा कि भाई ये वर्जन टू ही है, हमको पहला तो मिला ही नहीं, वो तो कहीं दबा रह गया। एक और चीज आपको बताऊंगा, यहाँ दो टाइप की आपको, ये हिंदी तो नहीं है, जो लोग अरबी जानते हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे इसको, क्योंकि बहुत जमाने पहले की है। देखिए इसमें हैंडराइटिंग है, नकल नवीसी की गई है, और यहां पर दो स्टाइल है, एक ये वाला स्टाइल है नेस्टैलिक, एक ये जो आपका है शिकस्त। तो अगर आप शिकस्त वाले, ये जो राइट हैंड साइड को देखें, पहले राइट हैंड साइड, पहले ये वाला बताता हूं, लेफ्ट हैंड साइड वाला बताता हूं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसको कहते हैं नेस्टैलिक। अगर आप देखेंगे तो ये कर्सिव है, मतलब बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और देखने में इजी है, कर्सिव और इजी, ठीक। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है इसको हम कह रहे हैं शिकस्त, शिकस्त। ये एक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, पढ़ने में, यानी कि डेंसर है और डिफिकल्ट है। ये आपका कर्सिव है इजी है, ये डेंसर है डिफिकल्ट है। तो इस तरीके की नकल नवीसी या लिखावट हुआ करती थी उस जमाने में। अब नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में जहां तक मैं बात करूं, बार बार आपके दिमाग में मैं बिठाना चाहता हूं कि 700 से 1700 हैंडराइटिंग्स के बारे में, और मैंने बताया था आपको कि दो तरीके की हैंडराइटिंग डिस्कस हो रही है इसमें। ये जो है इसको हम नेस्टैलिक कह रहे हैं, इसको हम शिकस्त कह रहे हैं। जो नेस्टैलिक है ये थोड़ी सी समझने में डिफिकल्ट है, और अगर आप यहां देखेंगे इसको शिकस्त, तो ये कर्सिव है, कर्सिव मतलब होता है कि घसीटा मार, अगर आप घसीटा मार हैंडराइटिंग लिखेंगे उस तरीके की हैंडराइटिंग है और थोड़ा सा पढ़ने में आसान है। फिर हम आए थे यहां पर न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो हम 700 साल से लेकर 1750 ईस्वी यानी कॉमन एरा के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चेंज हुई, यानी जैसे आप देखें कि नई नई चीजें आई। पर्शियन व्हील, इसे पर्शियन व्हील कहते हैं, पर्शियन व्हील का मतलब होता है कि अगर हम हमारे हिंदुस्तान में देखें तो यहां पर एक बैल को बांधा जाता है, वो घूमता है, तो ये एक कुएं से पानी निकालता है, कुएं से पानी निकलता है तो यहां पर आता है, यहां से इसको सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए भेजा जाता है। ये हो गया एक स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील मतलब ये कातने, धागा कातने की एक डिवाइस, मशीन इजाद हुई। आपको, आप इसे रिलेट कर सकते हैं महात्मा गांधी जी से भी, जिसको जिसको प्रमोशन उन्हीं के कारण मिला। और ये फायर आर्म्स, फायर आर्म्स का मतलब होता है जिसमें बारूद हो, कॉम्बैट के लिए, लड़ाई के लिए फायर आर्म्स का, बारूद का इस्तेमाल शुरू हुआ। और नई नई खाने की चीजें आई, क्योंकि लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो यहां पर आप देखिए भुट्टा हो गया, कॉर्न, आलू, पोटैटो, यहां मिर्चियां, चिली, चाय और कॉफी, इन सब का भी उपयोग इस जमाने में शुरू हुआ। अब लोग जब यहां से वहां जाते हैं, पीपल व्हेन दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो अपना कल्चर, अपनी अपने आइडियाज, अपने विचार लेके जाते हैं। तो यहीं पर बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, यानी कि आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे बहुत सारे परिवर्तन हुए, क्योंकि लोग मोबाइल थे, मोबिलिटी बहुत सारे लोगों की हुई, यहां से वहां तक लोग, जैसे कहा जाता है कि हवा और आदमी हमेशा पलायन करते हैं, मोबाइल होते हैं, तो बहुत सारे झुंड के झुंड लोग यहां से वहां गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, क्षेत्र में या देशों में गए। इस जमाने में एक राजपूत, इनका बड़ा मान हुआ, ये बहुत आगे बढ़े, यानी इनका रुतबा बहुत आया। राजपूत का मतलब होता है, राज मतलब होता है किंग या कहें रूलर, और पूत मतलब होता है, ये जो राजपूत में, राज मतलब रूलर और पूत मतलब होता है सन, बेटा। तो रूलर शासक का बेटा, इस तरीके से इसको आप समझे, राजपूत कहा जाता है। राजपूत ये लोग जो थे, बेसिकली अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें देखा जाए तो ये क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करते थे, या ये कहते थे कि हम इस कास्ट में हैं, क्योंकि ये वॉरियर्स थे। वॉरियर्स थे, वॉरियर्स का मतलब क्या होता है कि अपने क्षेत्र को बचाना, उसके लिए लड़ाई करना, उससे जो दुश्मन है, विरोधी है, उसके साथ लोहा लेना, ये क्षत्रिय का काम है। तो यहां पर केवल ये, केवल राजा ही नहीं थे, रूलर्स ही नहीं थे, बल्कि जो जो सामंत थे, चीफटेन्स जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा कमांडर्स, इसके अलावा जो लोग इस आर्मी में काम करते थे, यानी कि सैनिक, आपका ये सोल्जर, ये सभी इस कैटेगरी में आने लगे, या ये कहने लगे कि हम क्षत्रिय हैं। तो इनका रुतबा बहुत बड़ा हुआ, और इसका हमें पता इसलिए चलता है कि उस जमाने के जो पोएट्स थे, कवि थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, इनके रुतबे, इनका पावर, इनके लड़ाई का जज्बा और इनका क्षेत्र को बचाने की जो इनकी प्रतिभा है।
इसके अलावा बहुत सारे और लोग भी उनका लेवल आगे बढ़ा, जैसे मराठास हो गए, सिख हो गए, जाट्स हो गए। इनकी तो हमारे, अब देखिए अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इनकी रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। इसके अलावा अहोम लोग आगे बढ़े, कायस्थ, ये जो लोग थे कायस्थ, अभी आप जानते हैं कायस्थ श्रीवास्तव वगैरह कायस्थ होते हैं, ये लोग जो थे ये स्क्राइब्स हुए, लिपिक्स, लिपिक मतलब होता है जो नकल नवेशी होते हैं, यानी कोई चीज को कॉपी करते हैं, लिखते हैं, लिखित पढ़त का काम करते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरीज, मुंशी सुपरवाइजर या खाते का लेखा जोखा रखने वाले, ये लोग का भी बहुत मान हुआ इस जमाने में। फिर एक और चीज हुई इस जमाने में, ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए ये फॉरेस्ट एरिया है, तो ये जंगलात का एरिया इतना क्लियर कर दिया, इसको डाला गया, पर इसको यूज किया गया एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए अगर ये जगह यूज हुई तो यहां जो लोग रहते थे वो कहां जाएंगे, वो तो बेचारे अपने हैबिटेट से चले गए ना। हैबिटेट का मतलब होता है कि जैसे आपको अपने बिस्तर पे नींद आती होगी, आपको अपने घर पे अच्छा लगता होगा, तो वो आपका हैबिटेट है। तो एक जगह ऐसी जहां पर लोग रहते हैं, वहां का खाना पसंद है उनको, यहां की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सब चीजें उन रेसिडेंट्स के लिए होती है, वो उसी परिवेश में बहुत अच्छा लगता है उनको, या रहते हैं, उसको हैबिटेट कहते हैं। तो इनका हैबिटेट, या इसे कहें कि भाई एक पर्यावास हुआ इनका, तो यहां पर जब ये जंगल से चले गए तो फिर क्या करते, ये इस जगह पे आए, उस जगह पे आए जहां पर लोग रहते हैं। अब जहां लोग रहते हैं वहां पर फिर ये कई लोगों के टच में आए, ये लोग बेचारे किसान बन गए, क्योंकि और कोई काम तो आता नहीं था, तो ये बन गए फार्मर्स। जमीन तो इनके पास थी नहीं, तो ये फिर फार्मर्स थे, अब ये दूसरे लोगों की जमीन पे काम करते थे। तो ये जो फार्मर्स हुए, और जो बड़े फार्मर्स, बिग फार्मर्स कर देता हूं, इनके बीच में पैसों का, इनके बीच में जो लेवल है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया, यानी सामाजिक लेवल पर बड़ा डिफरेंस आ गया। कुछ गरीब फार्मर थे जिनके पास बेचारे कुछ भी नहीं, कुछ बड़े बड़े फार्मर्स थे जिनके इसमें ये काम किया करते थे। इसके अलावा शहर में बहुत सारे लोग थे, शहर में आप देखिए कि क्योंकि एक पार्ट बन गया ना, एक सोसाइटी बन गई, और उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें बड़ा आदमी भी था, छोटा भी आदमी भी था, या ये कहे कि अलग अलग काम करने वाले लोगों के संबंध में ये लोग आए, जैसे पुरोहित हो गए, जिसे हम प्रीस्ट कहते हैं, बड़े बड़े सामंत लोग हो गए, चीफटेंस हो गए, मार्केट, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, इनके सब ये लिंक में आए, या इनके साथ इनका संबंध स्थापित हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो डिफरेंस था जो बड़े फार्मर और छोटे फार्मर में, ये बहुत आगे बढ़ा, और वो हम आज भी देखते हैं। एक कोई एरिया हो गया तो इसमें क्या होता था कि भाई इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो एक जाति को बिलोंग करते थे, ये जाति एक ही समाज के लोग कहते थे। अब इसमें रहने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए कि भाई देखिए आप किसी की चोरी नहीं करेंगे, किसी को कुछ कहेंगे नहीं, हम अपने ही समाज में शादी नहीं करेंगे, मतलब अपने ही लड़की से शादी नहीं करेंगे, या प्रेम संबंधी होंगे, ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए इन्होंने। तो ये जो जातीज थी इनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाते थे ये बड़े बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, जैसे आजकल हम सरपंच की बात करते हैं, इसी तरीके से खाप पंचायत आपने सुना होगा। तो ये जो जाति है इनके जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करवाने वाले, उनको इन्फोर्स करवाने ये लोग थे। और ये लोग कौन थे, इसी सभा को कहा जाता है जाति पंचायत। जाति पंचायत थी जो इस एरिया के रूल्स रेगुलेशन को एनफोर्स करती थी, ठीक है। तो इसी को हम जाति पंचायत कहेंगे, ताकि सब लोग रूल फॉलो करें, अगर किसी ने कुछ किया तो उसको दंड दिया जाएगा, उसको एक हुक्का पानी बंद कहते हैं इसको, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, यानी आपको कोई भी सामान तक नहीं देगा, ना आपको खाने पीने के लिए देगा। इस जमाने में हम आगे और चैप्टर्स में बात करेंगे जो चोल्स हैं, तुगलक्स, मुगल्स, इन सब के बारे में बहुत सारी बात होगी आगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रीजन इन्होंने साम्राज्य बनाया। एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक संस्कृत की प्रशस्ति मिली है, उस प्रशस्ति में क्लियर बताया गया है कि एक दिल्ली के सुल्तान हुए, उनका नाम है, ये नाम बिल्कुल याद रख लीजिए क्योंकि ये सवाल पूछा गया है, गियासुद्दीन बलबन, थोड़ा याद रख सकते हैं, तो 1267 से लेकर 1287। तो इस जमाने में गियासुद्दीन बलबन साहब जो है वो बंगाल, यहां पर बंगाल के ये गौड़ कहते हैं इसको, इलाके को गौड़ से लेकर इनका एम्पायर कहां तक था, ये है आपका अफगानिस्तान। सो गौड़ से मतलब बंगाल से लेकर अफगानिस्तान, जिसे हम गजनी कहते हैं, गजन ये अफगानिस्तान का इलाका है, यहां से लेकर उसके बाद यहां तक द्रविड़ मतलब साउथ इंडिया,
इतना बड़ा इलाका इनके पास था ग्यासुद्दीन बलबन। तो ये सारी चीजें हमें प्रशस्ति से पता चलती है, लेकिन हम इन सब के बारे में जो जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर बनाए चोला तुगलक मुगल्स इनके बारे में भी बात करेंगे। अब इसमें एक चीज और हुई कि भाई 700 जब मैं बात कर रहा हूँ कॉमन एरा या जो ईस्वी की बात कर रहा हूँ, यहां तक हुआ ये कि सबने अपना अपना इलाका मतलब सबके इलाके क्लियर हो गए थे कि इसके पास कितना इलाका है, यहाँ पर क्या भाषा बोला जाती है, यहाँ पर क्या संस्कृति है, ये सब ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो गया था, यानी कि क्लियर हो गया था इस जमाने तक। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक थी भाषा के तौर पे संस्कृति के तौर पे वो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि इस जगह ये होता है। लेकिन जो मैंने आपको अभी अभी नाम लिए चोला खिलजीज तुगलक्स मुगल्स, इन्होंने बनाया पैन रीजनल यानी कि बहुत बड़े एम्पायर बनाए, मतलब पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कैप्चर किया। लेकिन ये स्टेबल नहीं थे, ये लोग स्टेबल नहीं थे। स्टेबल मतलब ये था कि स्थायित्व नहीं था, बना तो लिया इन्होंने बड़ा एरिया लेकिन उसको बना के नहीं रख पाए। अब जब बना के नहीं रख पाए तो फिर ये इलाके टूटे, यहाँ पर अलग रूलर आ गया, यहाँ अलग रूलर आ गया, ये अलग रूलर आ गया, यहाँ अलग जाति आ गई, तो इस तरीके से अलग अलग भाग में वो डिवाइड हुआ, यानी कि रीजनल स्टेट्स, जैसे आज हमारे देश में 28 स्टेट्स है, उसी तरीके से उनका जो एम्पायर होगा, उनका जो पूरा प्रभुत्व होगा, उसके छोटे छोटे भाग हुए, वो रीजनल स्टेट्स के नाम पे आए। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन, रिलीजन धर्म, तो धर्म भी बहुत सारे यहां पर आए, बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशन लोगों के चेंज हुए, धार्मिक सोच धार्मिक मान्यताएं बिल्कुल चेंज हुई। कैसे, देखिए हिंदू धर्म में अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हुआ कि एक तो भगवान डाइटीज, अच्छा डाइटीज जो है वो गॉड और गॉडेसेस दोनों के लिए यूज होता है, उन सबको मिला लीजिए तो डाइटीज कहते हैं। इन डाइटीज की, इन भगवान भगवान या भगवान और माताओं की पूजा अर्चना इसके तरीके बदले, इसके अलावा बड़े बड़े टेम्पल्स बने, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बने, बिल्कुल अमेजिंग खूबसूरत से टेम्पल्स बने इस जमाने में, क्योंकि ब्राह्मण्स, वैसे भी ब्राह्मण जो है वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते थे, और ब्राह्मण्स क्योंकि संस्कृत जानते थे, इस कारण से इन लोगों की मान्यता बहुत बढ़ गई, इनकी रिस्पेक्ट बहुत होने लगी। और उसके अलावा क्योंकि ये संस्कृत जानते थे, वो तो था ही, ब्राह्मण्स को बड़ी रिस्पेक्ट तो मिली मिली, इसके अलावा जो बड़े बड़े रूलर्स थे, बड़े बड़े रूलर्स हुए, वो भी इनको संरक्षण देते थे, क्योंकि देखिए भगवान से तो सब डरते हैं, है ना, तो वो इन ब्राह्मण्स को मानते थे कि भाई ये भगवान तक पहुंचने का जरिया यही है। यहां पर एक और चीज फिर थोड़े बाद में आई, वो ये था भक्ति। भक्ति का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं हूं यहां पर, अब मुझे भगवान शिव से कुछ मांगना है तो मुझे कोई ब्राह्मण या पुरोहित इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इनकी प्रतिमा अपने सामने रखूंगा, चित्र सामने रखूंगा और इनकी पूजा करूंगा और ये मेरे सामने उपलब्ध हो जाएंगे, या फिर मुझे बड़े बड़े कर्मकांड धर्मकांड ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा रिश्ता मेरे भगवान से बिल्कुल डायरेक्ट है, ये चीज भी नहीं आई इसमें। यहां पर एक नया धर्म आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो हुजूर मोहम्मद, उन्होंने एक नया धर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा जाता है इस्लाम। पूरे विश्व में 1.7 बिलियन, हमारे देश की पॉपुलेशन है 1.35 बिलियन, आप समझ लीजिए 1.7 बिलियन पूरे विश्व में इतने लोग हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। थोड़ा और आइडिया दे दूं तो 2.3 बिलियन जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, तो सेकंड धर्म है ये पूरे विश्व का जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। तो उस जमाने में ये इस्लाम धर्म जब आया, इसमें सबसे जो इनकी होली किताब है वो है कुरान, कुरान पाक, ये कुरान इनकी होली बुक है, जैसे क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, हिंदुओं के लिए भगवद गीता है, कुरान्स है, इनके लिए कुरान है। इस कुरान के अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज इसमें जो आई, क्योंकि लोग इसकी तरफ जाने का कोई ना कोई कारण तो होगा, इन्होंने कहा कि कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, छोटा गरीब हो अमीर हो, सबको दया भाव से, सबको प्यार से, सबको रिस्पेक्ट से साथ लेना है, सब कंधे से कंधा मिला के खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, और पांच पिलर्स हैं, फाइव पिलर्स हैं इस्लाम के, वो फॉलो करेंगे। और उसमें कुछ भी नहीं है, फाइव पिलर्स बहुत सिंपल है, उसमें क्या है, पांच वक्त नमाज पढ़ना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपको हज जाना है यानी यहां जहां पर धर्म की शुरुआत हुई वहां जाना है, किसी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये रमजान में रोजे रखने हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत क्लीन, बहुत पाक और बहुत बढ़िया धर्म हुआ जिसको लोगों ने बड़े हाथों हाथ लिया। एक और चीज बता देता हूं, इसमें फैक्शंस है, शिया सुन्नी के दो फैक्शंस है, जो इस्लाम धर्म है उसमें जो हुजूर है मोहम्मद साहब, जब वो उनका देहांत हुआ तो दो फैक्शंस बने। शिया ने कहा कि जो हुजूर है उनके दामाद अली, हजरत अली, वो हैं असली इनके उत्तरदायी, इनको हम नेता मानेंगे, इनको लीडर मानेंगे धर्म का। सुन्नियों ने कहा कि नहीं,
इनके दामाद ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नेता लायक है तो वो भी खलीफा जो नेता बनने का लायक है उनको हम नेता बनाएंगे। यही इनमें डिफरेंस है। बाकी दोनों ही शिया सुन्नी दोनों भगवान अल्लाह को मानते हैं, एक ही अल्लाह है ऑलमाइटी। इनके दोनों की ही किताब इस्लाम है और दोनों ही पांच पिलर्स, जैसे मैंने दो तीन पिलर्स आपको बताया, उसको ये फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया? तो शिया सुन्नी मेन फैक्शंस हैं किसके, इस्लाम के। और इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप हिंदुस्तान में आ गए तो आपको यहाँ पर हनफी मिलेंगे, ये भी अलग अलग फैक्शंस हो गए, अलग अलग विचार हो गई, और ये शफी हो गए। ऐसे अलग अलग फैक्शंस मिलेंगे, ऐसे आप हर धर्म में देखते हैं, फैक्शंस तो होते ही है। तो हम ये समझ रहे हैं इस बारे में कि भाई अगर हमको किसी भी किताब को पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, इसको चैप्टर वन चैप्टर टू इसमें डिवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं ना, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक पूरी किताब को आप, वो तो नॉवल हो जाएगी फिर, है ना। इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए हम अगर हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो हम उसको हिस्ट्री को डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग काल में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश इन्होंने क्या किया, इसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया इस काल को। इन्होंने कहा एक हिंदू काल बना दीजिए, एक मुसलमान काल बना दीजिए मुस्लिम, और एक ब्रिटिश काल बना दीजिए। तो ये जो डिवीजन है, इसमें जो डिवर्सिटी थी, अब डिवीजन कैसे बनाएंगे। हिंदू धर्म का मतलब ये कि हिंदू की चीज शुरुआत हुई यहां पर अंत हुआ, ऐसा तो हुआ कभी नहीं। मुस्लिम की शुरुआत हुई मुस्लिम खत्म हुआ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ये सब चीजें आपस में इंटरमिक्स्ड है, इंटरलिंक्ड है, तो आप क्लियर इसका डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। तो जो एक्चुअल डिवर्सिटी है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की, या विविधता है, जो हमारा कल्चर है, वो चीज इसमें निकल के नहीं आ पाई। ये जो डिफरेंस जो है, या फिर कहें कैटेगराइजेशन, किन्होंने किया, हमारे ब्रिटिशर्स ने किया। तो बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सारे इसको नहीं मानते। वो कहते ना ये चीज, ये जो फैक्शन इन्होंने किया ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, है ना। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं, जिस भी एरा की बात कर रहे हैं, 700 से लेकर 1750, ये जो है इसको मिडिवल इंडिया कहते हैं, मिडिवल एज कहते हैं, यानी कि मध्यकाल। ये मध्यकाल है। अब देखिएगा, मध्यकाल और जो आधुनिक युग है इसमें डिफरेंस है। अगर आप मिडिवल पीरियड को मॉडर्न पीरियड से कंपेयर करने लगे तो वो गलत हो जाएगा। मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में का मतलब होता है, मॉडर्न पीरियड में टेक्नोलॉजीज आई, लोगों के जेब में पैसा बढ़ा और नए नए टेक्निकल इन्वेंशन हुए, डिस्कवरीज हुई, तो उसे मॉडर्न पीरियड कहते हैं। मिडिवल मतलब है मध्यकाल, मध्यकाल जहां पर, क्योंकि मॉडर्न काल में इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हुआ। मिडिवल काल में हम बहुत सारी चीजों की बात करें, जैसे हम धर्म की बात करेंगे, हम संस्कृति की बात करेंगे, ये बात करेंगे। दूसरी एक और चीज इसमें जो आई वो ये थी कि क्योंकि हिंदुस्तान या फिर सब कॉन्टिनेंट इतना अमीर था, इट वॉज सो रिच, हम सोने की चिड़िया थे। और ये सोने की चिड़िया से क्या हुआ कि ये जो यूरोपियन लोग थे, यूरोपियन कंपनीज थी, वो आकर्षित हुई, हमारे देश में आई और उन्होंने व्यापार शुरू किया। इसी तरीके से अंग्रेज कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद आपको पता है आगे क्या हुआ, हम लोग गुलाम बन गए। 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।